हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बनाने वाली हूँ मास्क, जो कि बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो प्लेट की गोलाई है वो देखिए 10 इंच है। इसी की मदद से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी निशान लगाते हुए। चारों तरफ अच्छे से निशान लगा लेंगे पहले, फिर उसके बाद इसी निशान पे कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लग गए, तो इसी पे अब कटिंग कर लेते हैं। क्या करेंगे देखिए, इस तरफ ये सीधा है और इधर ये उल्टा है, तो सीधी साइड मुझे अंदर करना है। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से बराबर करके रख लेंगे। ये जो कॉर्नर है इधर 1.25 इंच पे निशान लगाना है, मतलब 3 सेंटीमीटर। इधर भी बराबर दोनों निशान लगा लेंगे। इसके बाद इन दोनों को मिला देंगे आपस में। एक और निशान लगाना है इस तरफ। जो कि 2.25 इंच पे लगेगा, मतलब 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, जो ये वाला निशान है और ये वाला, इसको दोनों को मिला देंगे इस प्लेट की मदद से। ये देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसी लाइन पे कटिंग करनी है। ये देखिए इसकी देखिए कटिंग हो गई है। अब क्या करना है, अब इस पे सिलाई चलानी है इस तरफ। देखिए थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए ऐसे इस तरह से, जहां मैं निशान लगा रही हूं ऐसे ही इस पर सिलाई करनी है। ये देखिए इस पर मैंने सिलाई चला दी है इधर। अब क्या करना है, इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा दीजिएगा इधर 1-1 इंच की दूरी पे। सिलाई पे नहीं कट करना है, सिलाई को छोड़ते हुए। ये देखिए इस तरह से। अब इसको ये देखिए इस तरह से था। अब यहाँ से पकड़ेंगे जिधर ये कट लगे हैं और इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये देखिए, और जो ये वाली सिलाई है, इस सिलाई को ऐसे मिलाते हुए रखेंगे, बराबर कर लेंगे और इसके बाद इधर एक और सिलाई लगाएंगे इस तरह। जिधर मैं निशान लगा रही हूँ देखिए इसी पे सिलाई लगानी है। ये देखिए इस पे सिलाई लग गई है और इस पे भी छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
अब क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। मैंने एक सिलाई की मदद से इसको पलटा है, आप चाहें तो हाथ से भी पलट सकते हैं, ये पलट जाता है। इस पे मैं प्रेस करके इसको सेट कर लूँगी, उसके बाद इस पे इलास्टिक लगाएंगे। ये देखिए प्रेस करने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया। आप क्या करेंगे, जो ये ओपन साइड है इसको पलट लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए अंदर की तरफ इसको पलट देंगे इस तरह से। अब इस पे इलास्टिक लगाएंगे, तो इलास्टिक की लंबाई मैंने एक तरफ की 6 इंच ली है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे रखेंगे, और आप चाहें तो डायरेक्ट इस पे मशीन चला दीजिए। मैं इसको ओपन अप कर लूँगी पहले। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ इस पे इलास्टिक लगा ली। अब क्या करना है, यहाँ से इधर को सिलाई लगा देनी। इससे क्या होगा कि इलास्टिक भी लग जाएगी और ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार भी हो जाएगा। ये देखिए मास्क बन के बिल्कुल रेडी है, और ऐसे आप भी बचे हुए कपड़े से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए।